बड़ी बाजार, जैसे कि देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ जयपुर के जौहरी बाजार, जिसको बोलते हैं गुलाबी नगर। कुछ इस तरफ से नज़ारा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी कहते हैं हम लोग हल्दियों के रास्ता, हल्दियों के रास्ता से अभी आए हैं। सूट वगैरह देना था तो वो सब चीज़ ले लिए हैं, और अब घर के लिए जाएंगे। घर के लिए चलते हैं। मैं तो सीधे चली जाऊंगी प्रेमनगर। अच्छा, मैं अभी आऊंगी ना, फिर यहाँ पर रोक के बनाऊंगी ये धन्यवाद। तो गाइस, जो ये आप लोग जौहरी बाजार हैं, यहाँ तर एक चीज खासियत आप लोग को मिलेगा, यहाँ ना ज़्यादातर ना ज्वेलरी का ही शॉप है। बहुत कॉस्टली रहता है, और ड्रेस वगैरह भी जो भी राजस्थानी चुन्नी लहंगे ये सब चीज़ यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और ज़्यादातर जो फॉरेन वाले लोग होते हैं, अंग्रेज लोग होते हैं, वो ज़्यादा यहाँ से मार्केट करते हैं, तो बहुत ही महंगा होता है। यहाँ से राजस्थानी जुत्ती ले लीजिए, या चप्पल ले लीजिए, या ड्रेस लहंगे वहंगे ले लीजिए, सारे कुछ आपको राजस्थानी ही मिलेगा। तो ये मैं हल्दियों के रास्ते आ गई हूँ। वैसे तो हल्दियों के रास्ता ज्वेलरी के लिए फेमस होता है, लेकिन यहाँ पर ना जैसे हल्दियों के रास्ता में ना साड़ी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के मिलते हैं, मतलब सारे ना कैटलॉग पीस मिलेंगे, वो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो ये हल्दियों के रास्ते की खासियत है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो देखती हूँ मैं क्या ले पाती हूँ। ये वाला देखो भैया, ये जो ऊपर ऊपर का ना पर्पल कलर में, नीचे नीचे ऊपर, हाँ ये इसमें देखा, ये सब क्या है, डेली यूज जैसे लग रहा है ये, वो दिखाओ आप लोग। मैंने बताओ, हाँ सही है ना, इस कपड़े में थोड़ा दोस्तों। फ्रेंड, हम आ गए यहाँ पे, मतलब सूट के शॉप पे, और कुछ सूट भी लेना था, तो हम लोग थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन खोज रहे थे। तो ऐसे भी तो मेरा साथ ये प्रॉब्लम होता है, मुझे ऐसे भी बहुत कम चीज़ समझ में आता है, मैं बहुत देखने के बाद एक आगो में सेलेक्ट कर पाती हूँ। तो इस जगह से ना हम दो सूट लिए थे लास्ट में, और पता नहीं मैं वीडियो बना पाई है कि नहीं बना पाई हूँ, लेकिन यहाँ से हम दो सूट लिए थे। और भी कहीं जाना है इसके बाद, तो फिर वहाँ भी लेके चलेंगे आप सभी को। तो यहाँ पर देख रहे थे, वैसे चंदेरी वगैरह में था कपड़ा, अच्छे थे, मतलब डेली यूज़ के हिसाब से। चंदेरी का ये खासियत होता है, उसका कलर नहीं जाता है, तो ये अच्छा चीज़ लग रहता है। बाकी आप कॉटन वगैरह में कपड़े लीजिए ना, तो उसका कलर निकल जाता है, तो वो ना बहुत बेकार हो जाता है, एक से दो बार पहनने पे ना कलर निकल जाता है। बाकी यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे इनके पास ड्रेस थे, और ऐसे में हम लोग को सिंपल में ही लेना था कि हम लोग डेली यूज भी कर सकते हैं, और कहीं पार्टी में भी जा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कहीं भी जा सकते हैं। फिर गाइज, ये हम लोग दूसरा शॉप पे आ गए थे, वहाँ से तो दो सूट सेलेक्ट हो गया था हम लोग का, फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा शॉप पे आए थे, तो फिर यहाँ से भी हम लोग दो सूट और लिए हैं यहाँ से। तो हम दोनों बहनें भी देखते हैं जिसको जो अच्छा लगा है, तो ऐसे करके हम लोग चार सूट सेलेक्ट किए थे। उसके बाद आराध्या और प्रियांशी का भी ड्रेस लेने जाएंगे, तो पहले यहाँ पे हम लोग का वही देख रहे थे। तो मुझे ये वहाँ हल्दियों के रास्ते से नहीं है, ये कहीं और से हम लोग लिए थे सूट, तो फाइनली मेरा हो गया है, और हाथ में बिल भी है मेरा सूट का, तो फाइनली सेलेक्ट हो गया है। और हम लोग थोड़ा देर में फिर आराध्या के भी ड्रेस लेंगे, बड़ी कंफ्यूजन हो जाता। और अभी ना कपड़े भी बहुत महंगे महंगे ड्रेस आ गए हैं, तो ये वाला शॉप पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था सूट, तो यहाँ से मैं खुद के लिए भी ली हूँ, और स्नेहा खुद के लिए भी ली है, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए चलेंगे, वो हम आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मतलब ऐसे ऐसे ना बहुत बड़े बड़े शॉप हैं, और बहुत कॉस्टली भी है। कॉस्टली तो हर चीज़ है ही अभी के टाइम में, अभी के नॉर्मल सूट लीजिएगा तो 2500 से कम में पहनने लायक नहीं होता है, और कई बार 1500-2000 के रेंज में भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग आराध्या और प्रियांशी के ड्रेस लेने,
तो वही हम लोग देख रहे थे। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि क्या होता ना, देखो वीडियो बनाइए ना तो फिर सामान ना फिर ठगाने का डर रहता है, ध्यान से उतर जाता है। तो फिर क्योंकि ये दोनों भी साथ में थी ना, तो ये दोनों भी बहुत बदमाशी कर रहा था लोग, इन लोग का भी ध्यान रखना पड़ रहा था, तो उतना अच्छा से मैं दिखला नहीं पाई हूँ। लेकिन अभी तो मेरा डेली ऐसा चलते ही रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं जाना होगा ही, तो आप लोग को ब्लॉग बाहर का ही मिलते ही रहेगा। देखती हूँ कितना मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, लेकिन अब नया नया ही ब्लॉग अभी आएगा क्योंकि अब जाओ जैसे कि पता है छुट्टियों में आई हूँ, तो एक जगह तो रहने वाली नहीं हूँ। तो फाइनल गाइज हमारा मार्केट हो गया है, अब मैं घर के लिए जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जो आपको थोड़ा थोड़ा मैं शूट की हूँ आप लोग के लिए शेयर करने के लिए, तो इसको ना पिंक सिटी बोलते हैं। इससे आगे जाइएगा ना तो हवा महल है, इसी वाले रूट में आपको हवा महल भी तो मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय सभी को जो लोग ब्लॉग देखा है लोग, और कोशिश करेंगे कुछ आप लोग को नया चीज़ दिखलाने का जयपुर का। और अभी बच्चे लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, इस वजह से वीडियो सही से बना नहीं पा रही हूँ। तो ओके गाइज, बाय बाय।